गाइस हम निकले हैं वघई से। वघई गार्डन से सीधा रास्ता जाता है गिरिमाड़ा की ओर, गिरा धोध की ओर। लेकिन हम गिरा धोध ना जाके हम सीधा जाएंगे सापुतारा की तरफ। जैसे चलते चलते कई प्राणी हमें मिलते हैं, वो देखकर हमें और भी सुकून मिलता है। कई बार प्राणियों के साथ उड़ते हुए पंछी भी दिखाई देते हैं। और बारिश की मौसम है। फिलहाल हम पहुँचे हैं रिवर के ब्रिज पर, वहाँ का नज़ारा हम देख सकते हैं। झरना हमें दिखाई देता है, क्या खूबसूरत झरना है। और आगे देखें तो यहाँ मच्छी पकड़ रहे हैं। देखो भैये अपना काम कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े परिवार सब मिलके काम कर रहे हैं। ये हैं यहाँ के लोगों की परंपरा, जहाँ पर यहाँ बाघ और उनका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये है खूबसूरत रास्ता। जैसे जैसे रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, क्या खूबसूरत मोड़ हैं। और चारों ओर देखो तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये मॉनसून का समय में कितना खूबसूरत लगता है। अगर राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आप होटल दिखाई दे रही हैं। यहाँ टेंट सिटी कहा जाता है, टेंट लगे हुए हैं रहने के लिए, बहुत अच्छे। अभी आप देखो ये नदी के नज़ारा, बहता हुआ पानी कितना खूबसूरत लगता है। और आगे दूर दूर तक अगर आप देखोगे ना तो वहाँ बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर धुम्मस लग रहा है। यहाँ यातायात चालू है। देखो ये कुआ कितना भर चुका है ऊपर तक का, कुएं का पानी तो देखो पानी ऊपर तक आ गए हैं। और यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे ना तो क्या होगा, नदी का प्रवाह दिखाई देगा। देखो ये बहता हुआ पानी हमें मन को लुभाता है। और दूर तक अगर आप नजर करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत एक अच्छी जगह जन्नत में पहुंच गए हैं, ऐसा महसूस होगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दो रास्ते हैं, किस रास्ते की ओर जाए, लेकिन फिर भी हमें जिधर जाना है उधर हम पहुंच रहे हैं। और ये रास्ता जा रहा है आहवा की ओर, और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लोगों की चहल पहल हमें दिखाई दे रही हैं। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और यहाँ कई लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, और तो क्या बताएं। यहाँ खेतीबाड़ी वगैरह भी बहुत अच्छी दिखती हैं, कई फसल तैयार हो रही हैं। यहाँ गाय भैंस चारा चल रही हैं। और नज़र करें तो हाँ कई तरह की दुकानें लगी हुई हैं जहाँ स्वीटकन वगैरह भी मिलता है। अगर हम चलते चलते अगर कुछ मिल जाए तो पेट पूजा कर सकते हैं। गैस अगर आप नज़र करेंगे तो यहाँ गरबा रास खेला जा रहे हैं। यहाँ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इतने सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कृष्ण राधा की जोड़ी बनी हुई है और चारों ओर रास खेला जा रहे हैं। और अगर आप आगे नज़र करोगे ना तो बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। फिलहाल बारिश नहीं गिर रही है, लेकिन फिर भी ये बहता हुआ पानी और ये घने बादलों के बीच से निकलती हुई नदी क्या खूबसूरत लग रही है। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े सब रास खेल रहे हैं। और कतारबंद चलने वाले ये रास करने वाले
बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन बच्चों को लेके माताएं कैसे रास खेल रही हैं, और ये हैं कृष्ण और राधा। उसके आसपास सब लोगों को घुमा रहे हैं, और ये गांव के लोग और छोटे बच्चे का निशारा तो देखो, सब हंस पड़े उसको देखकर। अखड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास हम पहुंचे हैं, और ये है यहाँ का फॉल्स। गाइस, पानी की धारा देख के ऐसा लगता है कि यहाँ हमें स्नान कर लेना चाहिए, पानी के नीचे चले जाना चाहिए, ऐसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ थोड़ी पाबंदी तो ज़रूर है, सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पुलिस सिक्योरिटी भी यहाँ बराबर रखी गई है। देखो यहाँ ये सिटकॉर्न आप देख सकते हैं, उसको गर्मा गर्म करके आप यहाँ बहुत अच्छा बढ़िया लगा है, ब्यूटीफुल है। ओके, आप लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, हम हर बार इधर ही घूमने आते हैं। हेलो मैडम, कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण? बहुत ही अच्छा, ये एक स्वर्ग जैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। वाओ, आप लोग भी यहाँ पे एक बार विजिट करने आए हैं। शिवगढ़ की जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ ये शिवगढ़ का एरिया। देखो ये झरना कैसे एकदम गहरी जगह पर जा रहे हैं, और ऊपर नज़र करोगे तो आकाश में बादल मंडराए हुए दिखाई देते हैं, और जैसे ही रास्ते के सामने अगर आप नज़र करोगे तो पूरी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ दिखाई दे रही हैं, और ये बहता हुआ झरना बहुत आह्लादक है। यहाँ भगवान शंकर जी का ये जो मंदिर है, जैसे लगता है कि उसकी जटा में से ये धारा निकल रही है, ऐसा महसूस होता है। यहाँ श्री गणपति जी का और यहाँ शिव का मंदिर के अंदर ये जलते हुए ज्योत बहुत सुकून दे रही है। यहाँ माता जी और बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ स्थान है, और ऐसा बहता हुआ प्रवाह हमें दिल को बहुत खुश कर देता है, खुश। और यहाँ बंदरों का समूह तो देखो कैसे खेल रहे हैं, और ये पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ रास्ता, एक और पहाड़ है तो दूसरी ओर बहता हुआ पानी, उसका मजा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ गाय भैंस किस तरह रास्ते के ऊपर एक साथ कतार में चल रहे हैं, चरवाहा भी एकदम देख के ऐसा लगता है कि भाई वो भी एकदम निश्चिंत हैं। और ये बच्चे यहाँ रास्ते के ऊपर कोई बिक्री कर रहे हैं, वैसे बच्चे नहीं उसकी माँ हैं, लेकिन बच्चे भी उसके साथ खड़े हैं। आज शायद छुट्टी का दिन है, जिस कारण सारे बच्चे इधर रास्ते के ऊपर आकर यहाँ उसकी मम्मी के साथ कुछ बिक्री करने के लिए आए हैं। यह है नदी का प्रवाह, चलो भाई आखिरकार हम सूर्यास्त होने से पहले यहाँ से वगई की ओर जा रहे हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।